حكمه لا شريك له ولا فريق له ولا ند له ولا ضد له ولا مقابل له ولا مكاظم له ولا مثيل له ولا ظهير له وحده وحدا فردا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام على أحمد الهادي ورسول المرتضى ونبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه الطيبين الطاهرين الغر المحجلين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على من اتبع الهدى إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز مكرم محترم واجب الاحترام عزت معاب بزرگو بھائیو دوستو آپ کی خدمت میں اللہ رب العزت کی لاریب کتاب قرآن مقدس میں سے آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں بارگاہ ربانی میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح صحیح کما حق ہو قرآن و سنت کے مطابق کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے اور تمام تر سامعین حاضرین ناظرین کو اپنی رضا کی خاطر صحیح معنوں میں قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے آمین. ترتیب آج ہمارا سیرت النبی کے موضوع پہ تقریباً یہ چھٹا جمعہ ہے اور 22 ستمبر 2023 اور ماہ ربیع الاول بھی شروع ہو چکا ہے اللہ کریم آج کے دن کو ہمارے گناہوں کا کفارہ فرمائے اور آپ لوگوں کا یہاں پہ آنا اور بیٹھنا قرآن مقدس کا سننا پیغمبر کی سیرت اور شریعت کی باتیں سننا اپنے دربار معلی میں قبول فرمائے کہ جتنے بھی انبیاء نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے آئے وہ تمام تر انبیاء سے اللہ کریم وعدہ لیتے رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بارے میں سبحان اللہ
इसलिए कि अल्लाह करीम ने खातमुन नबीजीन बनाना था तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुछ चीज़ों में अल्लाह करीम ने मैं मोहम्मद को ख़ास किया है। सुभानअल्लाह। उनमें से एक चीज़ ये भी है, आपने फरमाया उतीतु जवामे अल कलिम, कि अल्लाह करीम ने मुझे जवामे अल कलिम अता किए, व उहिल्लत लिल गनाइम, और गनीमत का माल मेरे लिए हलाल कर दिया। व जुइलत लिल अर्द मस्जिदन व तुहूरा, सुभान अल्लाह, और पूरी रूए ज़मीन को अल्लाह ने मेरे लिए मस्जिद बनाया। नुसिरतु बिर्रुब मसीरतु शहरिन, और महीनों की मुसाफत पे दुश्मनों के ऊपर अल्लाह ने मैं मोहम्मद का रोब तय कर दिया। उनमें से अहम बात क्या थी, और आपने फरमाया व खुतिमा बिन्नबियून व अना खातमुन्नबियीन, अल्लाह करीम ने मैं मोहम्मद को आखिरी रसूल बनाया है, मेरे बाद कोई नबी और रसूल नहीं आएगा। व अना खातमुन्नबियीन ला नबी बादी, और मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। कुरान मुकद्दस में भी वलाकिर रसूल अल्लाह व खातमुन्नबियीन, खातमुन्नबियीन का लकब सिवाय मोहम्मद इबन अब्दुल्लाह के अलावा किसी और को भी अल्लाह ने अता नहीं किया। पूरी रूए ज़मीन को मस्जिद बनाया है तो अल्लाह ने इस उम्मत के लिए, पहली उम्मत के लिए ये मामलात नहीं थे कि वो अपनी इबादत खानों में सिर्फ अपनी इबादत कर सकते थे, हर जगह पे वो नमाज अदा नहीं कर सकते थे। रोब अल्लाह ने पैगंबर का तारी कर दिया काफरों के ऊपर, ऐसी चीज़ों में अल्लाह ने ख़ास किया तो इमामुल अंबिया सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन को। पहले जितने भी नबी और रसूल आए उन्होंने अपनी नबूवत का ऐलान किया उस ज़माने में, और आने वाले ज़माने में उन्होंने मुतनब्बेह किया कि एक आखिरी रसूल आएंगे जो तमाम तर रसूलों से आला और अफजल होंगे। इसी चीज़ का ऐलान ईसा अलैहिस्सलाम ने भी किया, फरमाया कि मेरे बाद एक रसूल आएंगे, जैसे कुरान मुकद्दस में सूरत फतह में अल्लाह ने ज़िक्र किया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा यब्तगून फ़ज़लन मिन अल्लाहि व रिद्वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन अथरि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौरात व मसलुहुम फ़िल इंजील। अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम की अलामत भी तौरात और इंजील में भी ज़िक्र की, और सिर्फ़ नबी अलैहिस्सलाम की नहीं पैगंबर के सहाबा की भी अलामत तौरात और इंजील में ज़िक्र कर दी। तो वो जो अलामत थी वो कुछ ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में ज़ाहिर हुई कि क्या क्या हालात और कैफियत होंगे, कौन कौन लोग बिशारतें देंगे, कहाँ कहाँ से वो नबी आएंगे, कहाँ पे वो पैदा होंगे, कहाँ पे सफ़र करेंगे, कहाँ पे बैठेंगे, कितने सफ़र करेंगे, कैसे शादी होगी, वो सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने पैगंबर के साथ जो थी वो महफूज कर दी, ताकि आने वाली उम्मत के लिए किसी चीज़ में कोई शुबा और शक बाकी ना रहे। यहाँ तक के दीन को भी कामिल कर दिया, اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا। जो दीन अल्लाह ने पसंद किया उस दीन को इस उम्मत पे कामिल बयान किया है, उसने नक्स और ऐब नहीं रहने दिया। ला यजीद वला यनकुस, ना दीन में कमी आती है ना ज्याती होती है। मा लम यकुन यौम इज़िन दीनन फला यकुन अल-यौम दीना, फरमाया जो उस वक़्त दीन नहीं था वो आज भी दीन नहीं हो सकता, जो उस वक़्त दीन था वो आज भी दीन हो सकता है, इसलिए कि पैगंबर आखिरी थे, उनकी शरीयत और सुन्नत भी आखिरी थी, इसीलिए अल्लाह करीम ने नबी अलैहिस्सलाम को खातमुन्नबियीन बनाया,
और पैगंबर की शरीयत भी आखिरी, नबूवत भी आखिरी, रिसालत भी आखिरी, सुन्नत भी आखिरी। और फरमाया इत्तिबा और इताअत के लिए पैगंबर की ज़ात भी आखिरी है। जो इस उम्मत को नबी, किताब जो अल्लाह करीम ने उसूल, जवाबित, कवानीन, शरीयत, आमाल के अहकाम जो दिए हैं, वो तमाम तर शराए से आला शरीयत जो थी वो अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को दी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पैगंबर की अल्लाह ताला इब्तिदा से लेके हिफाजत करते हैं। कोई ऐसे किसी काम में जो कि पैगंबर की नबूवत और रिसालत और दावत में आड़ होने लगे, अल्लाह ने वो पैगंबर के करीब भी आने दी नहीं है। यानी इब्तिदा से लेके अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम की हिफाजत की है। अब आपकी वालिदा की वफ़ात के बाद दादा की वफ़ात हुई, कफालत जो है ज़ुबैर इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के पास आई, फिर उनके बाद कफालत जो है अली बिन अबी तालिब के वालिद अबू तालिब, जिनका असल नाम अब्द मन्नाफ है, उनके पास कफालत आई नबी अलैहिस्सलाम की। लेकिन आप माना समझ के आए हो कि कफालत जो है वो दो किस्म की थी। एक कफालत थी रियायत करना, तरबियत करना, हिमायत करना, और एक कफालत थी कि मुकम्मल तौर पे माल भी अपना खर्च करना, नान नफका भी अपनी तरफ से देना, ये सब कुछ खर्च करना। लेकिन अबू तालिब ने जो कफालत की है वो रियायत, हिमायत और तरबियत और ख्याल रखने वाली कफालत की है कि माल जो है वो अबू तालिब के पास था ही नहीं, इसलिए उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर अपना माल खर्च किया। क्यों नहीं किया? इसलिए कि माल था ही नहीं। अन्नहू काना ला माल लहू, उनके पास माल नहीं था। अब नबी अलैहिस्सलाम माल जो खर्च होता रहा पैगंबर पे वो नबी अलैहिस्सलाम का अपना माल था, और फिर इसी वजह से आके नबी अलैहिस्सलाम 25 बरस की उम्र में आपने तिजारती काफले के साथ तिजारत के लिए सफ़र किया। और वो क्यों सफ़र किया? फरमाया मेरे चचा अबू तालिब के हालात माली जो हैं वो बड़े कमज़ोर हैं, ताकि मैं और ज़्यादा तआवुन कर सकूं माली लिहाज से अपने चचा अबू तालिब का। अब इससे पहले दरमियान में जो मामलात हुए, अबू तालिब की कफालत है, उधर से आपने मारूफ सुना होगा, ताकि कुछ ना कुछ चीज़ वो बयान हो जाए, कि एक है हर्बुल फिजार, जो मारूफ है हर्बुल फिजार, लड़ाई जो है। दूसरा है हल्फुल फुदूल, फजीलत वाला एक मुआहदा हुआ। ये लड़ाई क्यों हुई? क्या नबी अलैहिस्सलाम इस लड़ाई में शरीक थे? ये नबूवत से पहले की बातें हैं। और ये लड़ाई जो है वाकिया फील, जो अबरा अशरम ने बैतुल्ला पे हमला किया था, वो अबाबील वाला जो वाकिया है, उस वाक़े से 20 साल बाद ये हर्बुल फिजार जो लड़ाई है ये शुरू हो गई। 4 साल तक ये लड़ाई मुसलसल जो है वो होती रही। अब क्यों इसको हर्बुल फिजार कहा जाता है? क्या नबी अलैहिस्सलाम की इसमें शराकत है? फिर उसके बाद एक मुआहदा लिखा गया, जिस मुआहदे के ज़्यादातर किरदार वो नबी अलैहिस्सलाम के चचा ज़ुबैर इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ने अदा किया है। उस मुआहदे में क्या हुआ, मामला क्या था? पहली चीज, हर्ब कहा जाता है लड़ाई को, फिजार कहा जाता है फिस्को फजूर से, एक नापसंदीदा काम जो है। ये लड़ाई की इब्तिदा हुई हुरमत वाले महीनों में, कि जबकि हुरमत वाले महीनों में लड़ाई झगड़ा हराम था, जो है मक्का और बैतुल्ला की सरजमीन पे।
अल्लाह ताला ने चार महीने हुर्मत वाले बनाए, अरबात अशहर चार महीने हुर्मत वाले, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रम और रजब, ये चार महीने हुर्मत वाले कब से बनाए? जब से अल्लाह ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया। और इन्हीं महीनों में लड़ाई, झगड़ा, दंगा, फसाद करना, इन चीज़ों से शरीयतों ने मना कर दिया था, जो पहली शरीयतें भी थीं। नुमान इब्न मुनज़िर जो हीरा का बादशाह था, उसने कस्तूरी भेजी सूखे उकाज में बेचने के लिए। कहाँ से ये लड़ाई की इब्तिदा हुई? उकाज का बाज़ार बड़ा मारूफ बाज़ार था, जो मक्का और ताइफ के दरमियान में ये बड़ा बाज़ार साल में लगता था और कई दिनों तक ये बाज़ार जो है गर्म रहता था, यानी बहुत बड़ी आलमी मंडी थी ये अरबों की। तो नुमान इब्ने मुनज़िर ने मुश्क जो होती है, मिस्क जो कस्तूरी होती है, खुशबुएं, वो बेचने के लिए सूखे उकाज में भेजा। और इन लोगों ने आके, जो हीरा के बाद फरमा रवा की तरफ से जो आए थे, इन्होंने एक तालाब के गिर्द जो है अपना डेरा लगा लिया, वहाँ पे बैठ गए कि उकाज का बाज़ार लगेगा तो हम ये कस्तूरी जो है बेचनी शुरू कर देंगे। जिस वक़्त इन्होंने ये किया तो इन लोगों को अमान चाहिए थी मक्का वाले लोगों की, ताकि कोई आदमी इनको कोई तकलीफ ना पहुंचाए। तो उरवा बिन उतबा ने इनको अपनी अमान दे दी, फरमाया तुम मेरी अमान में हो, तुम्हें किसी किस्म का कोई डर खौफ नहीं है। तो बकर इब्ने किनाना का एक आदमी, बर्राज नामी आदमी, जो बड़ा चालाक आदमी था, उसने सोचा कि इनके पास बड़ी कीमती चीज़ें हैं, तो जिस बंदे ने अमान दी है उरवा ने, मैं उरवा को कत्ल कर देता हूँ तो इनसे सामान लूट लिया जाएगा। उसने फिर अमान देने वाले आदमी उरवा को कत्ल कर दिया। जब उसको कत्ल किया, कत्ल करके तो खुद जो है खैबर की तरफ चला गया। फिर उसने वहाँ पे पैगाम भेजा, तो उस ज़माने में जो बैतुल्ला की हदूद में दाखिल हो जाता था, चाहे वो कितना बड़ा भी कातिल था, कोई आदमी उसको नुकसान नहीं पहुँचाता था, वो ये समझते थे कि ये अल्लाह की अमान में है। तो वहाँ से फिर ये आदमी दोबारा इधर आया, इसी वजह से आके इन कबाइल की आपस में लड़ाई झगड़ा जो है मुस्तकिल शुरू हो गया। चौथे साल में ये लड़ाई शुरू होती रही। तो नबी अलैहिस्सलाम इस लड़ाई में आपने किताल नहीं किया, लड़ाई की नहीं। आपके चचा जो हैं नबी अलैहिस्सलाम को एक दफ़ा ले गए, तो आपने कुछ वो तीरों के अंदर कमान में जो तीर डालने वाले आगे नबल होते हैं, जो सहम होते हैं, वो नबी अलैहिस्सलाम ने सिर्फ पकड़ के अपने चचाओं को दिए। नबी अलैहिस्सलाम ने इस लड़ाई में हिस्सा लिया नहीं है। तो ये फिर बाद में जो है इन लोगों की, चौथे साल में इन लोगों की सुलह हुई, और जो है सुलह के अंदर नबी अलैहिस्सलाम के चचा जो हैं ये सारे कबाइल वो वहाँ पे शरीक थे। दूसरा मामला हुआ जो हल्फुल फुजूल वाला है। ये जो मुआहदा था, इस मुआहदे के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर ये मुआहदा मुझे इतना महबूब है कि अगर इसके बदले में मुझे सुरख ऊंट भी दिए जाएं तो मैं मोहम्मद इस मुआहदे को कबूल करूंगा। क्यों? ये एक सुलह सफाई वाला मुआहदा था, मजलूमों की इयानत वाला मुआहदा था। ये मुआहदा क्यों, ये मामलात शुरू हुए किस चीज के ऊपर ये मुआहदा हुआ? मक्का में अबी जुबैद नामी अपना सामान लेके मक्का में बेचने आया। इसका सामान ले लिया आस इब्न वाइल, ये बड़ा ही काफिर था शुरू से, नबी अलैहिस्सलाम का दुश्मन रहा। पांच बड़े दुश्मन थे नबी अलैहिस्सलाम के, उन्हीं में से ये आस इब्न वाइल भी बड़ा दुश्मन था। इसने अबी जुबैद नामी आदमी का सामान लिया, सामान भी अंदर, पैसे भी दिए, उल्टा उसको धमकियां दी, अगर तूने पैसे तलब किए तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, फुलां कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। पैसे भी नहीं दिए, धमकियां भी दी। उसने बड़ी मिन्नत समाजत की अबी जुबैद नामी ने,
کہ تم یہ اللہ کا واسطہ ہے، تم حرم میں رہنے والے ہو، بیت اللہ کے متولیوں میں تمہارے نام آتے ہیں، ایسے اگر لوگوں کا مال کھاؤ گے، لوگوں کا مال تم لوٹ لو گے تو کون تمہارے اوپر اعتماد کرے گا؟ بہر کیف ان لوگوں نے، عاص بن وائل نے نہ سامان واپس کیا نہ پیسے واپس کیے۔ یہ بات چلتی چلتی نبی علیہ السلام کے چچا زبیر ابن عبد المطلب کے پاس پہنچ گئے۔ جب زبیر ابن عبد المطلب کو پتہ چلا کہ عاص بن وائل نے ابی زبید نامی آدمی کا سامان بھی لوٹا ہے اور پیسے بھی دیے نہیں، انہوں نے پھر آ کے بیت اللہ میں اعلان کیا۔ زبیر ابن عبد المطلب نے تمام تر قریشیوں کے قبائل کو جمع کیا گیا، جن میں بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو اسد، بنو زہرہ، بنو بکر، بنو حرب، یہ سارے قبائل قریشیوں کی جتنی شاخیں تھیں ان سب کو جمع کیا اور کہا کہ آج معاہدہ کرو کہ جو بھی مکہ میں آئے کوئی آدمی بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، جو آدمی ظلم کرے گا پورے قریشیوں کے قبائل ظالم کے خلاف لڑائی کریں گے، مظلوم کا ساتھ دیں گے، ظالم سے حق لے کے اصل مظلوم کو حق دیا جائے گا، جو کوئی فسق و فجور کا معاملہ کرے گا سارے قبائل اس کا مقابلہ کریں گے۔ ان تمام شکوں کے اوپر یہ معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کو کہا جاتا ہے، جو آپ ابتدا سے کچھ سکول مدارس کی کتابوں میں بھی حلف الفضول کا جو معاہدہ ہے اس کے بارے میں آپ پڑھتے بھی آئے ہو، یہ وہ معاہدہ تھا۔ اور یہ معاہدہ لکھا گیا عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں، جو حضرت عائشہ صدیقہ کا چچا زاد بھائی ہے۔ اس معاہدے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی شریک ہوئے۔ اس معاہدے میں یہ معاہدہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہے، اگر کوئی ایسے معاہدوں میں میں محمد کو بلائے گا تو میں سب چیزوں کو چھوڑ کے سلو صفائی، مظلوم کی مدد کرنا، بیواؤں بے قصوں کی مدد کرنے کے لیے میں محمد الرسول اللہ سب سے آگے ہوں گا۔ یہ وہ حلف الفضول کا معاہدہ تھا جس میں زبیر ابن عبد المطلب نے اعلان کیا، تمام تر قبائل کو جمع کر کے سب کے سائن کروائے، سب کے اوپر جو ہے وہاں پہ مہریں لگی، سب لوگوں نے اس بات پہ معاہدہ کیا کہ مکہ اور حجاز کی سرزمین میں ہم کسی کو ظلم نہیں کرنے دیں گے، جو کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا ہم اس سے بدلہ لیں گے، جو کسی کا حق لے گا اس سے حق چھین کے اصل مظلوم کو حق واپس کیا جائے گا۔ ان تمام شکوں پہ یہ معاہدہ کیا گیا۔ اس معاہدے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے تھے اور آپ کا چچا زبیر ابن عبد المطلب وہ بھی سب سے آگے آگے ہے۔ اب ابو طالب کی حالت اور کیفیت، نبی علیہ السلام کی عمر 25 برس ہو گئی، اب ابو طالب کی مالی حالات جو ہیں وہ بڑے کمزور ہیں۔ ادھر سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، سیدۃ نساء قریش، افضل نساء قریش، جو قریشیوں کی سردار اور بڑی مالدار، حسن و جمال والی، دانا، خوبصورت، بڑی باہمت، پروقار لڑکی ہے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ اپنے غلام میسرہ کو تجارت کے لیے بھیجتی تھی شام میں۔ انہوں نے سنا کہ قریشی ہمارے ہی خاندان کا ایک نوجوان ہے، بڑا امین ہے، بڑا صادق ہے، بڑا نرم مزاج آدمی ہے، بڑا طبیعت کا اچھا آدمی ہے، بڑا بردبار ہے، بڑا حلیم ہے، اور بڑا شرم و حیا والا ہے، اور بڑا امانت دار ہے، لوگوں سے ہٹ کے رہتا ہے، ان کی محافل مجالس جو غلط کاموں کی ہوتی ہے اس میں شریک ہوتا نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ تک پہنچ گئیں۔ انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ نبی علیہ السلام کو کہو کہ اگر آپ تجارت کرنا چاہتے ہو تو آپ میرا مال جو ہے وہ تجارت کے لیے لے جاؤ شام میں، میں پہلے تاجروں کو جو مال دیتی ہوں، جو ان کو فائدہ دیتی ہوں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال لے کے شام کی طرف جائیں
तो मैं इनको दूसरे ताजरों की निस्बत डबल नफा दूंगी। फरमाया दूसरे ताजरों को मैं दो ऊंट देती हूं, अगर मोहम्मद जाए तो मैं चार ऊंट नबी अलैहिस्सलाम को दूंगी। ये ऑफर आई, मैसरा लेके आया नबी अलैहिस्सलाम के पास। अब नबी अलैहिस्सलाम ने अपने चचाओं से मशवरा किया। अबू तालिब से नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, चचा तेरे हालात बड़े कमज़ोर हैं, तो मैं मोहम्मद से जितना हो सकता है मैं तआवुन करता हूँ, क्या राय है तुम्हारी कि मैं खदीजा का माल लेके शाम चला जाऊँ। उन्होंने फरमाया ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो, तिजारतों का ताजरों का काफिला जा रहा है, तो माल लेके जो है शाम की तरफ चले जाओ। अब नबी अलैहिस्सलाम और सैयदा खदीजा का ग़ुलाम मैसरा, ये दोनों तिजारती सामान लेके काफिले के साथ इन्होंने भी शाम का रुख किया है। ये नबी अलैहिस्सलाम का शाम की तरफ दूसरा सफ़र है। पहला बचपन में सफ़र किया, और उस वक़्त जो सफ़र किया वो 12 साल की उम्र के करीब था। अभी आपकी उम्र 25 बरस है, तो मैसरा जो खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु अन्हा का ग़ुलाम है, उसके साथ जो है सामान लेके नबी अलैहिस्सलाम सफ़र की तरफ चले गए। अब उधर से कुरान कहता है कि तौरात और इंजील में हमने पैगंबर की चीज़ें, पैगंबर की अलामात, पैगंबर का चलना, उठना, बैठना, जाना, आना सारा पहली किताबों में जिक्र कर दिया। बेशक, बेशक, बेशक। अब नबी अलैहिस्सलाम गए जाके, जब भी आप शाम के इलाके में दाखिल हुए, मर्रा जहरान से गुजर के वहाँ पहला इबादत खाना है जहाँ पे नस्तूर नामी राहिब मारूफ आलिम है, यहूदियों का भी और ईसाइयों का भी। उसके इबादत खाने के बाहर एक बड़ा दरख्त है, तो उस दरख्त के नीचे ना कोई राहिब बैठता है ना कोई और आदमी बैठता है। उस दरख्त की कोई अल्लाह ने खासियत रखी थी, तो नबी अलैहिस्सलाम जब ही गए, आपने जाके अपना सामान रखा, तो नबी अलैहिस्सलाम उस दरख्त के नीचे बैठ गए। जब बैठे तो नस्तूर नामी जो राहिब है वो दौड़ता हुआ आया मैसरा के पास। क्यों, ऊँट है, ऊँटों के ऊपर सामान है, वो पीछे खड़ा है, नबी अलैहिस्सलाम उस दरख्त के नीचे बैठे हैं, तो वो दौड़ता हुआ नस्तूर राहिब जो है वो मैसरा के पास आ गया। आके पूछता है, मन नज़ल तहता हाज़िहि शजरते, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कहने लगा इस दरख्त के नीचे उतरने वाला बैठने वाला आदमी कौन है। अल्लाह अल्लाह, मैसरा से कहने लगा, मन नज़ल तहता हाज़िहि शजरते, ये उतरने वाला नौजवान कौन है इस दरख्त के नीचे। तो मैसरा को पता भी कोई नहीं, कहने लगा रजुल मिन कुरैश मिन हरमिल्ला, कहने लगा कि ये कुरैशियों का नौजवान है, बैतुल्ला की सरजमीन से आया है, बैतुल्ला के जो मुतवल्ली लोग हैं, जो बैतुल्ला के खिदमत गुजार हैं, उन्हीं की तरफ से ये आदमी आया है, कुरैशियों का नौजवान है। नस्तूर कहने लगा, जो मेरी किताबों में, हमारी किताबों में जो मजकूर है, वल्लाहि मा नज़ल तहता हाज़िहि शजरत इल्ला नबीयुन, कहने लगा अल्लाह की कसम, हमारी किताबों में जो चीज मौजूद है, जो हमने देखा है, खास एक बाबरकत दरख्त है, हमारी किताब में लिखा है इस दरख्त के नीचे सिवाय नबी के कोई और आदमी बैठ ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह, अगर हम जुर्रत करें उस दरख्त के करीब जाने के लिए, कोई भी आदमी जुर्रत करे तो उस दरख्त से डर लगता है, वो पीछे हट जाता है। इसी दरख्त की वजह से आके मैंने इबादत खाना यहाँ पे बनाया है,
ये मैंने सौमा अपना इबादत खाना इसी दरख्त की वजह से आके बनाया है ताकि वो आखिरी नबी जो आएगा उसकी बड़ी अलामत होगी कि वो इसी दरख्त के नीचे बैठेगा। इसी इंतजार में सालहा साल मुझे गुजर गए, कोई बंदा मैंने इस दरख्त के नीचे बैठते देखा। मा नज़ल तहता हाज़िहि शजरति इल्ला नबीयुन, अल्लाह की कसम इस दरख्त के नीचे सिवाय नबी के कोई और बैठ सकता नहीं है। आके नस्तूर राहिब नबी अलैहिस्सलाम से मिला है, मिलके बड़ा खुश हुआ है, सामने नबी अलैहिस्सलाम के बैठ सका ज्यादा देर नहीं। क्यों? अल्लाह करीम ने रोब इतना रखा है को कोई आदमी भी पैगंबर की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता नहीं है। वो उरवा बिन मसूद सकफी आया जिस वक़्त वो मुआहदा लिखा गया हुदैबिया वाला, देख के वो वापस जाता है। वापस जाके उसने पता क्या कहा, अभी काफिर है, काफरों को जाके उसने पता क्या कहा, उसने कहा तुम बातें करते हो मोहम्मद के बारे में, अल्लाह की कसम तुम कहते हो कि उसके साथ कोई ताकतवर लोग नहीं हैं, मैंने देखा है वहाँ पे जो मोहम्मद के जानिसार हैं वो कैसे हैं। कहते हैं वल्लाहे जलसा हौला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّهُمْ عَلَى رُؤُوسِهِمْ طُيُورٌ। मैंने देखा है कि नबी अलैहिस्सलाम के गिर्द सहाबा की जमात बैठी। وَإِذَا تَكَلَّمَ, जब नबी अलैहिस्सलाम इरादा करते हैं बोलने का, अभी बोले नहीं। वइज़ा तकल्लम, जब आप इरादा करने लगते हैं बोलने का, खफ़ज़ू अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे खामोशी होती है किसी बंदे की कोई भी आवाज निकलती नहीं है। हत्ता कि अगर वो अपने वजूद के एक पहलू पे बैठा है, वो मोहम्मद के कलाम के दौरान अपना पहलू भी बदलता कोई नहीं। तो यूं बैठे होते हैं का अन्नहुम अला रूसिहिम तुयूर, ऐसे लगता है जैसे उनके सरों पे परिंदे बैठे हैं, कोई हरकत नहीं, कोई कुछ नहीं। कादू यक्ततलूना अला वदूइही, सुभान अल्लाह, मैंने तो देखा है नबी अलैहिस्सलाम यूं वुजू करने लगे। आपने वुजू किया तो वुजू के पानी के कतरे सहाबाए किराम ने नीचे गिरने, जो मोहम्मद ने कुली की है वो कुली वाला पानी का एक जर्रा एक छींट भी नीचे नहीं गिरी। तो मैंने क्या देखा, कादू यक्ततलूना ला वदूइही, करीब था कि वो मोहम्मद की कुली वाले पानी वुजू वाले पानी के कतरों के ऊपर लड़ाई करते लगते। वो कहता मुझे कतरा चाहिए, दूसरा कहता मुझे ये हैं सहाबा जिन्होंने मोहम्मद का लुआब और वुजू के पानी के कतरे जमीन पे गिरने दिए। क्या उन्होंने मोहम्मद के दीन की हिफाजत नहीं की? की है कि नहीं की? तो क्या सहाबा ने जश्न मीलाद के जुलूस निकाले? सहाबा से बढ़ के कोई पैगंबर से मोहब्बत कर सकता है? ये काफिर के कलिमात हैं। वो कहता है मैंने देखा है, तो जाके उनको पता क्या कहने लगा, कहने लगा कभी ख्याल भी ना करना, वो कभी सोचना भी कोई नहीं,
अल्लाह की कसम वो मोहम्मद के साथी वो तो मर जाएंगे मिट जाएंगे, वो सारे जख्म अपने सीनों पे लेंगे, तो मोहम्मद तक पहुंचने की ताकत नहीं रखते। इसलिए ख्याल न करना कि वो जो मैं हालत कैफियत देख के आया हूँ ना, जो पैगंबर का लुआब और वुजू की कुली का पानी ज़मीन पे गिरने नहीं देते, तो वो तुम्हारे जैसे काफरों को मोहम्मद के करीब आने देंगे? कभी भी नहीं आने देंगे। तो ऐसी गलती ना करना। तो वो नस्तूर राहिब कहने लगा, वो पास बैठा नहीं क्यों मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंखों मुबारक के अंदर सफेदी के साथ जो सुर्खी है। अल्लाह करीम ने आंखों में बड़ा रोब रखा है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में। तो वो नस्तूर दामी दूर दूर से देखते हैं पैगंबर की हरकत और सकनात को। कुछ देर बैठने के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने सामान उठाया, मैसरा के साथ आगे गए, जल्दी से सामान बिका है, कोई देर लगी नहीं। सामान ओ सैयदा खदीजा का, ताजर ओ मोहम्मद रसूलुल्लाह, ताजर भी आला, सामान देने वाली औरत भी अपने जमाने की औरतों में, माल भी आला, तो फिर माल भी अफदल, पैगंबर भी अफदल, सफर भी अफदल, माल देने वाली औरत भी वकानत अफदल, निसाए कुरैश खदीजतल कुबरा। सामान बिका, नफा हुआ, मैसरा बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा आज तो लम्हात के अंदर सामान बिका है और इतना नफा तो कभी भी नहीं आया जितना अभी आया है। एक दिन में सामान भी सारा बिका तो वापसी का इरादा हो गया। वापसी पे आने लगे। जब मक्का से थोड़ा दूर पहुँचे तो मैसरा ने नबी अलैहिस्सलाम को कहा, अल्लाह के पैगंबर आप ज़रा पहले चले जाएं, मैं बाद में आता हूँ, कोई मामला था। फरमाया आप ज़रा पहले चले जाएँ कि आप जाके सैयदा खदीजा को बता दें कि ये माल इतना इतना माल बिका है, ये हिसाब है, ये अमानत है, ये तुम्हारी माल दौलत है सर। अब नबी अलैहिस्सलाम ऊँटनी के ऊपर सवार हैं, मक्का के करीब पहुँच गए। उस वक़्त सैयदा खदीजा का जो मकान था वो दो मंजिला मक्का में मकान था। क्या था? दो मंजिला। बाला खाने में खिड़की रखी हुई थी, उस खिड़की से हवा का रास होती, फिर आगे भी जैसे वो पुराने ज़माने में मकान बनाए जाते थे। तो सैयदा खदीजा ऊंची जगह पे अपने बाला खाने में बैठी थी। ऊपर से आदमी नीचे वालों को देख सकता है, नीचे वाला आदमी उनको देख सकता नहीं है। जोहर के करीब टाइम था, नबी अलैहिस्सलाम मक्का में दाखिल हो रहे थे। तो सैयदा खदीजा के पास कुछ औरतें और भी बैठी थी। तो जिस वक्त अचानक नजर पड़ी बाहर, तो वो तो दुर्रे यतीम इमामुल अंबिया सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन आ रहे हैं। तो सैयदा खदीजा ने देखा तो साथ औरतें भी हैं, तो देखा कि आज असल चीज देखने वाली है। फतज़िल्लु मलकैन, सैयदा खदीजा ने क्या देखा है कि दो फरिश्ते यूं अपने परों को खोल के मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर साया किया हुआ है। सैयदा खदीजा ने अपनी सहेलियां जो औरतें बैठी हैं उनको कहा, उन्दुरु इला मोहम्मद इब्ने अब्दिल्ला, ओ मेरे साथ सहेलियां देखो, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह आ रहे हैं, दो परिंदों ने ऊपर मोहम्मद के साया किया हुआ है। फनजरा फतअज्जबन फतअज्जबना, सारी औरतों ने बड़ा ताज्जुब किया है कि गर्मी का मौसम है, जोहर का टाइम है, ऊँटनी के ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह सवार हैं, दो बड़े परिंदे हैं जिन्होंने साया किया हुआ है नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर, ताकि गर्मी की शिद्दत उन गुलजार रुखसारों पे धूप नहीं लगे। नबी अलैहिस्सलाम को देख
देख के फताअज्जबना, बड़ा ताज्जुब किया कि ऐसा मंजर तो हमने कभी देखा भी नहीं है। यबहरुल कुलूब, उनके दिलों में फखर आने लगा, हाय ये कुरैशियों का नौजवान है, ये कुरैशियों का नौजवान है, ऊँटनी के ऊपर सवार इतना खूबसूरत लगता है, इतनी चमक तो दोपहर के टाइम पे सूरज की कोई नहीं जितनी मोहम्मद की पेशानी से निकलती है। फ़यबहरुल कुलूब, उनके दिल भरने लगे कि जल्दी मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुलाकात हो, जल्दी हम मोहम्मद के करीब आके नबी अलैहिस्सलाम को देखा जाए। 25 बरस की उम्र मुबारक नबी अलैहिस्सलाम की, अभी माल जिस वक्त वापस आया है, पता चला इतनी देर में मैसरा गुलाम भी पहुंच गया, आके बताया सैयदा खदीजा को कि इतना फायदा इतना नफा हुआ है, ये मामलात हुए हैं। फरमाया फराबेहा रिबहन अजीमन वलम यजअल मिन कब्लो, इतना फायदा हुआ इससे पहले इतना कभी भी फायदा हुआ नहीं है। तो इस मकाम पे सैयदा खदीजा ने दूसरे ताजरों की निस्बत 4 गुना मोहम्मद रसूलुल्लाह को अता किया है। नबी अलैहिस्सलाम वो अपना नफा लेके किधर लेके गए, जाके अपने चचे अबू तालिब को दिया है। किसको दिया है? अबू तालिब को दिया। घराने दोनों ही बड़े अजीम हैं, अली का घराना भी बड़ा मकाम बुलंद है बेशक बेशक, और सिद्दीक के घराने का मकाम भी बड़ा अजीम है बुलंद है। फर्क क्या है? मोहम्मद ने माल कमा के अली को खिलाया है, मोहम्मद ने माल कमा के अली को खिलाया है, यानी अली अबू तालिब के घर वालों ने मोहम्मद का माल खाया है, इधर से सिद्दीक ने कमा के मोहम्मद को खिलाया है। फर्क क्या है? अबू तालिब के घराने ने मोहम्मद का माल खाया है, सिद्दीक के घराने ने मोहम्मद को माल खिलाया है। फर्क तो इतना है। खाने वाले भी बड़े आला लोग हैं, खिलाने वाले की अंबिया के बाद मिसाल भी मिलती। सिद्दीक ने खिलाया है, अली ने खाया है, समझ आई कि नहीं? सिद्दीक ने अपनी कमाई करके, आपको पता है जिस दिन हिजरत की अबू बकर सिद्दीक के पास कितनी मालियत थी इस वक्त, हिजरत वाली रात 40,000 दिरहम के करीब अबू बकर सिद्दीक के पास माल है। वो सारा माल खर्च किया सिद्दीक ने मोहम्मद पे, या फिर खर्च किया मोहम्मद के साथियों पे। अब जरा देख, जब आप गार में पहुंचे, गार में पहुंचाने वाला कंधों पे बैठा के लेके जाने वाला कौन है? अबू बकर। नबूवत का बोझ अगर उठाया है तो अबू बकर सिद्दीक ने, बेशक बेशक। पता है कितनी चढ़ाई है? 3.5 मील बुलंदी पे ऊपर अबू बकर सिद्दीक लेके गए मोहम्मद को कंधों पे उठा के। तो जिस वक्त चढ़ाई ज्यादा आती है, अबू बकर सिद्दीक दौड़ते भी तेज तेज दौड़ने लगते हैं,
जिस वक्त तेज दौड़ने लगते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने यूं अपने दोनों बाजू अबू बकर सिद्दीक की गर्दन के पास रखे हैं। सुभान अल्लाह। सिद्दीक ऊपर की तरफ दौड़ते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने जो अपने बाजू यूं सिद्दीक की गर्दन से लगाए हैं, आप जरा थोड़ा सा सख्त करते हैं ताकि वो कलावा जो है वो और ज्यादा करीब हो जाए। आपका पेट मुबारक और सीना मुबारक अबू बकर सिद्दीक की कमर के साथ लगा हुआ है, दाढ़ी मुबारक सिद्दीक की गर्दन और बालों के साथ लगती है। तो यूं नबी अलैहिस्सलाम ने सिद्दीक को पकड़ा हुआ है, सिद्दीक दौड़ते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया महलना बा बकर, अबू बकर डरने की जरूरत नहीं, जरा आहिस्ता चल। हजरत अबू बकर सिद्दीक थोड़ा आहिस्ता होते हैं, फिर जिस वक्त चढ़ाई आती है ज्यादा तो फिर थोड़ा तेज कदम चलने लगते हैं। जब अबू बकर सिद्दीक तेज कदम चलने लगते हैं तो सिद्दीक के वजूद पे पसीना आता है। पूछा किसी ने अबू बकर क्यों तेज चलते थे, फरमाया इसलिए कि जब तेज चलता था तो मेरे वजूद से पसीना निकलता था, जब मैं तेज चलता तो मोहम्मद रसूलुल्लाह और ज्यादा करीब होते थे। तो मैं अबू बकर सिद्दीक चाहता था कि मोहम्मद मेरे कुरब में ज्यादा रहे, जिस वक्त आप सीधे होते तो मैं फिर तेज कर देता कदम ताकि नबी अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक जो है मेरे बाल और मेरी गर्दन पे लगते थे, सीना और पेट मुबारक मेरी कमर पे, जिस वक्त मैं दौड़ा मेरा पसीना निकला, मेरे पसीने के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह का वजूद लगा है, मेरी कमर थी मोहम्मद का सीना और पेट था, मुझे यकीन था कि मेरी कमर के साथ मोहम्मद का सीना और पेट लगा है। अल्लाह की कसम, बैतुल्लाह के खुदा की कसम, अल्लाह जहन्नम की आग को हराम कर देगा। मेरा पसीना मोहम्मद में, मोहम्मद रसूलुल्लाह का पसीना मेरे अंदर। वाह, ये रमजे अबू बकर सिद्दीक की है। ऊपर भी सिद्दीक लेके गए, जिस वक्त गार में पहुंचे नबी अलैहिस्सलाम ने आराम किया है, आराम के लिए तकिया मुखद्दा जो है सरहाना वो सिद्दीक का रान है, सिद्दीक की गोद में मोहम्मद का सर है, वहां पे नबी अलैहिस्सलाम ने आराम किया है। अब वहां पे खाना कहाँ से पहुंचता है, किधर से खाना पहुंचता है? सिद्दीक की बेटी अस्मा, आयशा की बहन, ज़ातुन ताक़ीन, अस्मा बिनती अबी बकर जो 17 बरस हजरत आयशा से बड़ी हैं, हजरत आयशा 17 बरस हजरत अस्मा से छोटी हैं। जिस वक्त हिजरत की अब बात आ गई दरमियान में, हजरत अस्मा की उम्र उस वक़्त थी, हजरत अस्मा की उम्र उस वक़्त सॉरी 10 साल छोटी थी हजरत अस्मा से हजरत आयशा। जब हजरत अस्मा ने हिजरत की मक्का से मदीना आए, उस वक़्त उम्र कितनी थी? 27 बरस। कितनी उम्र थी? 27 बरस। तवज्जो है? 27 बरस। तवज्जो है कि नहीं? हजरत अस्मा की उम्र थी उस वक़्त 27 बरस। जब हिजरत की पहले साल में, अब हजरत आयशा और हजरत अस्मा का फ़र्क है 10 साल। उठाओ बुखारी शरीफ, 10 साल छोटी हैं। अब हजरत आयशा और हजरत अस्मा, हजरत अस्मा की उम्र है 27 बरस, दोनों आई तो उस वक़्त हजरत आयशा की उम्र कितनी होगी? 10 साल निकाल दो, 17। कितने? 17 साल हुई ना। तो जो लोग कहते हैं कि 6 साल की उम्र में निकाह किया, 9 साल की उम्र में रुख्सती की, अल्लाह इस कौम को हिदायत दे। आमीन। 17 साल की उम्र तो निकाह आके मदीना में होता है, 1 साल के बाद तो कितनी उम्र हो गई? 18 साल। तो हम भी तो यही कहते हैं, ये 6 साल 9 साल वाली रिवायतें झूठी हैं। हजरत आयशा की उम्र शादी के टाइम पे 18, 17, 19 बरस के करीब थी।
इससे कम नहीं थी। बहुत से दलाइल हैं इस बात के ऊपर। हजरत ये हजरत अस्मा हैं जो खाना लेके जाती थी। लेके भी सिद्दीक गए गार पे, नबी अलैहिस्सलाम सोए भी सिद्दीक की गोद में, खाना लेके गई अस्मा ज़ातुन्नत्ताक़ीन, अपना दुबट्टा फाड़ के खाना उसके अंदर रख के ताकि मोहम्मद तक पहुँचते पहुँचते खाना गर्म रहे, इसलिए उनको लकब ज़ातुन्नत्ताक़ीन का दिया गया। इधर से खाना सिद्दीक के घर से जाता है, पहुँचा खाना रात के टाइम पे, दूध बकरियों और ऊँटों का धो के सिद्दीक का ग़ुलाम पहुँचाता है। सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह। जब हिजरत के लिए गए तो सवारियां भी अबू बकर सिद्दीक की, बेशक सवारियां भी अबू बकर सिद्दीक। जो नबी अलैहिस्सलाम ने उस रात में लिबास पहना है वो लिबास भी अबू बकर सिद्दीक का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? तो जो चादर मुबारक है वो भी अबू बकर सिद्दीक शाम से हदिया लेके आए थे, वो चादर भी मोहम्मद के वजूद पे अबू बकर सिद्दीक की। सारे रास्ते में जो खर्चा किया, जो खाना पीना, सारे चीज अबू बकर सिद्दीक की लगी है। सिद्दीक ने मोहम्मद को खिलाया है, अली ने मोहम्मद के घर से खाया है, इसलिए ये फर्क जो है साफ जाहिर है। ऐसा ना समझना कि अली का मकाम कम है, अली का मकाम बहुत बुलंद है, लेकिन फर्क जो जाहिर है उसका तो ख्याल रखना चाहिए कि अली और अली के भाइयों को और अपने चचा को नबी अलैहिस्सलाम ने खुद उनकी परवरिश की है। उन्होंने परवरिश नहीं की, उन्होंने परवरिश वो हिमायत वाली की है, माली परवरिश नबी अलैहिस्सलाम ने की है, और अपना माल जो खिलाया है वो अबू बकर सिद्दीक ने खिलाया। बेशक बेशक बेशक। समझ आई कि नहीं? जाके जो सैयदा खदीजा से माल मिला, जाके किसको दिया है? अबू तालिब को। अब वापस आए, 25 बरस 2 महीने 8, 9 या 7 दिन गुजरे नबी अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक। इहदा सदीकातिहा फरगिबत खदीजा अन यतज़व्वजहा, सैयदा खदीजतुल कुबरा ने अपनी सहेलियों के साथ उनके हाथ पैगाम भेजा कि जाओ नबी अलैहिस्सलाम को कहो कि सैयदा खदीजा तुम्हारे साथ शादी की रगबत रखती है, मेरा इरादा है अगर मोहम्मद राजी हैं तो मैं शादी करना चाहती हूँ नबी अलैहिस्सलाम से। अब इससे पहले सारे सरदारा ने मक्का इन्होंने पैगाम भेजा सैयदा खदीजा की तरफ के हम तुम्हारे साथ शादी करना चाहते हैं। फाबत फाबत फाबत, सैयदा खदीजा मुसलसल इनकार करती रही, किसके किसी के साथ भी शादी के लिए राजी हुई नहीं है। क्यों? आयज अतीक इब्ने आयज अल मखजूमी से पहले निकाह हुआ है, चंद महीनों के बाद उसकी मौत हो जाती है, कोई बच्ची बच्चा भी पैदा हुआ नहीं है। फिर इद्दत गुजरने के बाद अबू हाला के साथ निकाह हुआ सैयदा खदीजा का, वो भी चंद महीने गुजरे, वो भी फौत हो चुका है, एक बच्चा पैदा हुआ था बस, कोई औलाद भी सैयदा खदीजा की और पैदा हुई नहीं। ये चंद महीनों में मामलात हुए हैं। उसके बाद सारे लोगों ने पैगाम भेजा, किसी का पैगाम भी खदीजा ने कबूल किया नहीं है। लोगों ने सैयदा खदीजा की तरफ पैगाम भेजा, लेकिन खदीजा ने मोहम्मद की तरफ भेजा है। सारे सरदारों ने पैगाम भेजा निकाह के लिए, लेकिन सैयदा खदीजा ने किसी के साथ भी शादी के लिए राजी नहीं हुई। इधर पैगाम खुद सैयदा खदीजा ने भेजा, जिस वक्त मैसरा भी वापस आता है उसने भी आके हजरत खदीजा को बताया कि सारे रास्ते में जो मामलात होते रहे, खर के आदत कुछ मामलात होते रहे जो मैसरा ने देखे हैं। कहने लगा कि ऐ सैयदा खदीजा, अल्लाह की कसम ये इंसान कोई नहीं, ये तो मुझे कोई फरिश्ता लगता है कि मैंने रास्ते में इसके साथ, वो कहते आदमी को परखना हो तो उसके साथ सफर किया जाता है, कहता है मैंने सफर की
की है। अल्लाह की कसम मुझे समझ नहीं आई इतनी लज्जत और सुकून मोहम्मद के साथ मुझे सफर में मिला। कुछ ऐसे काम मैंने देखे हैं जो आम इंसानों में नहीं होते। खाना खाने लगते हैं जिस वक्त यूं लगता है जैसे खाना अभी गर्म है, पानी निकालते हैं इतना ठंडा होता है। पैगंबर के दस्तरखान पे बैठते हैं बड़ी लज्जत आती है, खाना भी खाया जाता है, अल्लाह ताला बरकत और ज्यादा डाल देता है। अल्लाह करीम ने सफर में भी रहमत और बरकत के दरवाजे सारे खोल दिए हैं। सैयदा खदीजा के दिल में और रग़बत आई है, अपनी सहेलियों को भेजा जाओ मोहम्मद को जाके शादी की दावत दो। नबी अलैहिस्सलाम के पास आई है, नबी अलैहिस्सलाम ने अपने चचाओं से बात की है। अबू तालिब कहने लगा मेरा भतीजा, अल्लाह की कसम खदीजा जैसी बाहया औरत लड़की हमने कभी देखी नहीं है। है भी कुरैशियों में सबसे ज्यादा मालदार और जमाल और हुसन में भी बहुत ज्यादा है, कमाल में भी बहुत ज्यादा है। बड़ी जीरक, बड़ी जीफहम, बड़ी दाना औरत है, मालदार भी बड़ी है, शर्मो हया वाली भी बड़ी है, खूबसूरत और खूबसीरत भी बड़ी है। ए मोहम्मद मेरी तो राय है ठीक है, अगर वो पैगाम भेजती है तो तुम उसका पैगाम को कबूल करो। इधर से अबू तालिब लोगों ने जाके सैयद खदीजा के चचा से बात की इब्ने असद से, जाके कहा कि ओ अल्लाह का बंदा तेरी भतीजी का रिश्ता हम अपने भतीजे मोहम्मद से करना चाहते हैं। तेरी भतीजी ने पैगाम खदीजा ने भेजा। चचा जाके सैयदा खदीजा से पूछा, खदीजा कहने लगी हाँ मेरे चचा जी, आज से पहले तो कुरैशियों के सरदार पैगाम भेजते रहे, वो मेरी तरफ पैगाम भेजते रहे, लेकिन मैंने किसी को कबूल किया नहीं है। ये कुरैशियों में नौजवान है जिसकी तरफ मैं खदीजा ने पैगाम भेजा है। फरमाया ठीक है, मंगनी होती है नबी अलैहिस्सलाम की। अब कितनी उम्र थी नबी अलैहिस्सलाम की? उम्र 25 बरस 2 महीने 7, 8 या 9 दिन। नबी अलैहिस्सलाम की उम्र यानी 25 साल 2 महीने और कुछ दिन थे। अब सैयदा खदीजा की उम्र कितनी है पूछें? जो तुमने मशहूर किया हुआ है ना वो बादशाह, तो वो गया 40 साल उम्र थी। कहाँ से ये बात आपने ली बताओ? किसने बताया आपको भाई, किसने बताया? शादी में 4 चीज़ें होती हैं, मुकाबला, कुफ होना चाहिए, कुफ बरादरी होनी चाहिए, आपस में मालदारी में बराबरी होनी चाहिए, मज़हब में बराबरी होनी चाहिए, उम्र में दो तीन साल के ऊपर नीचे होना ये कोई इतना मामला नहीं है। जो लोग कहते हैं ना 40 साल उम्र थी, बिल्कुल सरासर झूठ है। इन्होंने वो कौल कबूल किया जो गलत था, जो सही अकवाल हैं वो क्यों नहीं कबूल किए? जाके देखो तारीख की किताबें, सैयदा खदीजा की उम्र से ज़्यादा जो सही कौल मिलता है 25 से लेके 28 साल के दरमियान में उम्र है, इससे उम्र ज़्यादा एक दिन भी नहीं। ज़्यादातर राय है 25 साल, कुछ कहते हैं 26, कुछ कहते हैं 27। जो सही कौल हैं 25 से लेके 28 के दरमियान में उम्र थी सैयदा खदीजतुल कुबरा की। 40 साल वाला इतना बड़ा झूठ है कि जिसकी कोई इंतहाई कोई नहीं। समझ आई कि नहीं बात? बात समझ आई? आज के बाद किसी को ना बताना कि सैयदा खदीजा की उम्र 40 साल थी और नबी अलैहिस्सलाम की 25 साल थी। 15 साल का फ़र्क तुम समझते नहीं, पैगंबर की शरीयत में बराबरी होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने जन्नत में भी जो रखी है ना फरमाया बराबरी की उम्रें होंगी। इसलिए तो ये सरासर झूठ है कि सैयदा खदीजा की उम्र 40 साल और नबी अलैहिस्सलाम की 25 बरस, कैसे हो सकता है भाई ऐसे? इसलिए जो सही अकवाल हैं वो लोगों को बताते, जिसमें जो है गलत रावी हैं वो कौल जिक्र करते हैं, जो सही कौल है वो पता नहीं क्यों नहीं जिक्र करते। इनको पैगंबर से अदावत है। हजरत आयशा की उम्र नीचे ले गए, सैयद खदीजा की उम्र ऊपर ले गए, ना वो सही ना ये सही। ना तो हजरत आयशा की उम्र 6 साल ना सैयद खदीजा की उम्र 40 बरस है। समझ आई कि नहीं? ये पता कौन लोग हैं करने वाले? ये इराक की राफजी लोग हैं।
उन्होंने पैगंबर की तौहीन के लिए ऐसी रिवायात बना के तुम्हें सुना दी है। तुम्हारे मुल्लाओं ने भी ख्याल नहीं किया। मुल्ला तुम्हें क्या बताएं, मुल्ला अपने कारोबार में तवीज़ गंडे के कारोबार में मशगूल है, उन्होंने तुम्हें मसले क्या बताने हैं, वो तो फुर्सत ही नहीं होती। तीन तीन दिन बैठ के हुजरों में आमत उन्नास को तबाह बर्बाद कर दिया, इन्होंने तावीज़ों के पीछे लगा दिया। कुरान इसलिए आया है, कुरान शिफा है कि नहीं, लिखने में के पढ़ने में, पढ़ने कुरान ने किसको कहा शिफा को, देखो शहद शिफा है कि नहीं है, अब आदमी किलो की बोतल शहद छोटी मक्खी की शहद लेके गले में लटका ले, क्या उसको शिफा मिल जाएगी? नहीं। मिलेगी नहीं। शिफा पीने में है ना, शहद पिएगा तो शिफा मिलेगी, मिलेगी, लटकाने से शिफा नहीं मिलेगी। कुरान शिफा है, कुरान पढ़ने में शिफा है, पूरा कुरान गले में लटका दो शिफा नहीं। ये तो एक आयत लिख के देते हैं तवीज़ की, ठीक, अगर पूरा कुरान भी तुम लटका दो फिर भी शिफा नहीं। जमजम में शिफा है कि नहीं है? अगर आदमी जमजम की बोतल लेके गिलाफ चढ़ा के गले में डाल ले, क्या उसको शिफा होगी? नहीं। पीने में शिफा है। अल्लाह के बंदो, कुरान पढ़ने में शिफा है, लिखने में शिफा नहीं है। अपना ईमान बचाना है, तुम्हारी खैर खाही है, हमें तो कोई इतराज नहीं, एक छोड़ के बीस बीस तवीज़ पहनो, हमारा क्या कुछ है? हमें कोई नुकसान होता नहीं। लेकिन बीस छोड़ के अगर तुम 10,000वीं तवीज़ पहन दो, अगर अल्लाह ना शिफा दे तो कोई दे सकता नहीं है। लेकिन एक बात करना हमारा फ़र्ज है तुम्हारी खैर खाही के लिए। हम तो कहते रहें लेकिन मौलवियों ने पता नहीं छोड़ने या कि नहीं छोड़ने, कम अज़ कम तुम तो ऐसे मौलवियों को छोड़ दो। अब अगर तूने अपना माल बचाना है, ईमान बचाना है, तो ऐसे लोगों से बच जाओ, ऐसे लोगों से बच जाओ। ये तुम्हारा माल भी लूटते हैं, ईमान भी लूटते हैं कि नहीं? लूटते। महंगाई हो गई है, 10,000 से कम कोई तावीज़ ही कोई नहीं। कहते हैं पेट्रोल महंगा हो गया है, ये तावीज़ है मोटरसाइकिल है जो पेट्रोल पर चलता है। कहते हैं महंगाई हर तरफ महंगाई होगी भाई, तवीज़ों का रेट भी ज़्यादा हो गया है। 10,000, 35,000 तुम्हारे इसी इलाके में, झूठे पे खुदा की लानत, मुझे जो आके लोगों ने बताया है, हम तो हैरान हैं ऐसे लोगों से कि नादान वो लोग हैं जो ऐसे मुल्लाओं के पास जाते हैं जो ईमान भी लूटते हैं और तुम्हारा माल भी लूटते हैं। उधर पैगम्बर की हालत देख, कैसे तुमने कलमा पैगम्बर का पढ़ा, तो मोहम्मद की सुन्नत तुम्हें याद नहीं आती? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन अल्लका तमाइम फकद अशरका, जिसने कोई चीज़ लटकाई उसने शिरक किया। क्या ये पैगंबर की हदीस है कि नहीं? ये तो मौलवियों से कभी सुनी है, ये हदीसें सुनाएं तो तवीज़ ख़त्म, धागे ख़त्म, ये चीज़ें ख़त्म। इसलिए मेरे भाई ऐसी चीज़ों से बच जाओ, अपना ईमान भी महफूज रख, अपने माल को भी बचा के रख, ऐसे लोगों से बच जाओ वरना ये हर चीज़ तबाह कर देंगे। अगर अल्लाह ना शिफ, मुझे ये बताओ कौन सी ऐसी चीज़ है जो खुदा के पास कम है? कोई है ऐसी चीज़ नहीं जो खुदा से तुम्हें नहीं मिलती? मिलती है। तो इनके पास क्यों जाते हो? इसलिए जाते हो कि इसलिए जाते हो भाई खुदा के पास हमें ये चीज़ नहीं मिलती, हम पीरों फकीरों, कोई दरबारों पे, कोई कब्रों पे, कोई मज़ारों पे, कोई मुल्लाओं पे, कोई नगीनों के पीछे, कोई जामन बांधा है, किसी ने सुरख धागा यहाँ पे घुटनों पे बांधा है, किसी ने हाथों पे बांधा है, किसी ने अंगूठियाँ पहनी हैं, किसी ने मनके लटकाए हैं, किसी ने तावीज़ लटकाए हैं, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। ये हिंदुओं की रसूमात हैं, मोहम्मद की शरीयत से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। कहाँ तुम खुदा को भूल गए? अब खुदा को किस चीज़ के लिए तूने रखा है? औलाद ना हो पीरों के पास, बरकत कोई नहीं जी, बंदश हुई है, बंदश, बंदश समझते हो? कहते बंदश हो गई, पीरों के पास, बीमार हो जाए पीरों के पास, बीमारी है पीरों के पास, खुदा को किस लिए रखे? यानी इसका मतलब ये है कि खुदा के ख़जाने में कमी आ गई, खुदा से तुम्हें नहीं मिलता, इसलिए इनके पास जाते हो, कोई कब्रों की तरफ, कोई मज़ारों को, इधर उधर जाता है। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह ताला तुम्हें अपने दरवाजे का मोहताज करे, किसी गैर का मोहताज ना करे। इसलिए ये तुम्हारी खैर खाही है, अपने ईमान को भी बचाओ और अपने माल को भी बचाओ। अगर जितना इनको देते हो 1,000, 10,000, 20,000, 30,000, अल्लाह के बंदो ये किसी अल्लाह के रास्ते में दे, किसी गरीब मिस्कीन को दो, तुम्हारी जेबें खाली हो जाएं, मौलवी की आँखें नहीं भरती, मौलवी की जेबें नहीं भरती, तुम्हारी खाली हो जाएंगी, मौलवी की भरती
नहीं हैं। इसलिए अल्लाह के रास्ते में किसी गरीब मिसकीन यतीम को अगर तुम 100 रुपया भी देते हो, इनको 10,000 नहीं दो, इनसे बच जाओ, किसी गरीब मिसकीन को दे दो। इसलिए अल्लाह करीम की ज़ात पे यकीन रख, अगर तेरा यकीन खुदा की ज़ात पे है, सारी दुनिया भी मिल जाए तुम्हें एक ज़र्रा बराबर नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर अल्लाह तुम्हें फ़ायदा दे तो सारी दुनिया भी मिल जाए, कोई तेरा नुकसान नहीं कर सकता। अगर वो नुकसान देना चाहे तो सारे जहान के पीर फकीर मिल जाए, तुझे कोई नफ़ा दे सकता नहीं है। बच जाओ इन लोगों से, अपने माल को भी बचा और अपने ईमान को भी बचा। सैयदा खदीजतुल कुबरा ने जब पैगाम भेजा, मंगनी होती है, अब नबी अलैहिस्सलाम का हक महर, इशरून बिकरन 20 ऊँट बतौर हक महर के रखा जाता है, जिसका 20 ओकिया के करीब सोना, जिसकी मालियत 5,000 दीनार के मुताबिक बनती है, ये हक महर रख के सैयदा खदीजा का चच्चा भी मौजूद है, मोहम्मद का चच्चे भी मौजूद हैं, निकाह के लिए अबू तालिब ने निकाह का खुतबा दिया है, पुरानी शरीयत के मुताबिक जो चलता आ रहा था, हक महर रखा, अबू तालिब ने निकाह का खुतबा दिया है। अजीब कलिमात अबू तालिब ने अपने खुतबे में बोले थे, बस 2-3 कलिमात मैं आपको सुनाता हूँ, टाइम भी सेकंडों में ऊपर जाता है, पता नहीं क्यों तूने घड़ी को तेज तो नहीं किया। कहने लगा, फहमिद अल्लाह व असना अलैहि अम्मा बाद फइन्न मुहम्मदन ला युवाज़िनु फतन मिन कुरैश इल्ला रजह बिही शर्फन व नैलन व फदलन व अक्लन। कहने लगा, ओ लोगो हम दो सना अल्लाह करीम की करके। अबू तालिब कहने लगा, ओ लोगो आज मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला का निकाह है, तो मोहम्मद ऐसा नौजवान है, फइन्ना मुहम्मदन ला युवाज़िनु फतन लर्राजह बिही ला युवाज़िनु फतन मिन कुरैश लर्राजह बिही फबलन व नैलन व अकलन व शरफन व करमन। ओ लोगो एक कुरैशी नौजवान का आज निकाह है, जिस निकाह की तरफ सैयदा खदीजा फइन्नहा रदियत खदीजत बिन्तु खुवैलद फलहा मिसलुहा ज़ालिक। कहने लगा, ओ खदीजा ने पैगाम भेजा मुहम्मद की तरफ, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसके पैगाम को कबूल किया है, वो भी राजी हैं, हमारा भतीजा मोहम्मद भी राजी है। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं कि मोहम्मद कौन है। सुभान अल्लाह। कहने लगा, फइन्ना मुहम्मदन फतन ला युवाज़िनु फतन मिन कुरैश इल्ला रजह बिही। ओ लोगो एक कुरैशी नौजवान मुहम्मद है, अगर इसका वजन किया जाए सारे कुरैशियों के नौजवानों से, ऐसा नौजवान मुहम्मद है, अगर इसका वजन किया जाए इस जैसा नौजवान पूरे कुरैशियों में मौजूद, अगर सारे कुरैशियों के नौजवानों को जमा करके मीज़ान में वजन किया जाए, ला युवाज़िनु फतन मिन कुरैश इल्ला रजह बिही, तो लोगो अल्लाह की कसम सारे कुरैशी नौजवान एक तरफ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का वजन सबसे ज्यादा है। कहने लगा, क्यों ज्यादा है, किस चीज में ज्यादा है। फदलन व शरफन व नैलन व करमन व अदलन व जमालन। सुभान अल्लाह। मोहम्मद का वजन ज्यादा है। इस जुमले की जरा तशरीह कर दें थोड़ी जी, कि आगे चले करें। कौन है मोहम्मद? कहता है, उजमे अफी है अल खिसालुल महमूदा।
मोहम्मद कौन है जिसमें सारी अच्छी सिफतों को जमा किया गया है। मोहम्मद कौन है जो मियत फी सिफात अल कुबरा वल कुल्लिया, जिसमें तमाम तर सिफात महमूदा को जमा किया गया है, वो मोहम्मद है। मोहम्मद का माना क्या होता है? कहता है जिसमें तमाम तर कमालात को जमा किया गया है वो मोहम्मद है। जिसमें सारे कमालात कुल्लिया की इंतहा हो जाए उसको मोहम्मद कहते हैं। जिसका वजन फजल में ज्यादा हो वो मोहम्मद है। जिसका वजन नैल में ज्यादा हो वो मोहम्मद है। जिसका वजन करम में ज्यादा हो वो मोहम्मद है। जिसका वजन शरफ में ज्यादा हो वो मोहम्मद है। जिसका वजन रिफत में ज्यादा हो वो मोहम्मद है। जिसका वजन हिलम और वर्दोबारी में ज्यादा हो वो मोहम्मद है। जिसमें सारी सिफतें अच्छी जमा हो वो मोहम्मद है। जिसकी एक एक हरकत उम्मत के लिए नमूना हो वो मोहम्मद है। जिसके दूर में आने से जिसके चेहरे का जमाल जाहिर हो वो मोहम्मद है। जिसके नाम में कमाल जाहिर हो वो मोहम्मद है। जिसकी सिफतें दुनिया के सामने जाहिर हो वो मोहम्मद है। अगर कोई पूछे मोहम्मद कौन है तो बता जिसकी सिफात सारी दुनिया शुमार करे कर न सके वो मोहम्मद है। जिसकी सिफतें सारी दुनिया शुमार करने लगे जिसकी सिफतें शुमार न हो वो मोहम्मद है। और जिसका हिलम और बुर्दोबारी का अंदाजा न हो वो मोहम्मद है। जिसके जूद और लताफत और करम की इंतहा न हो वो मोहम्मद है। जिसकी जुबान में फसाहत का अंदाजा न हो सके वो मोहम्मद है। और जिसकी हिकमत का पता ही ना चल सके वो मोहम्मद है। जिसकी लताफत का दूसरा किनारा ना मिले वो मोहम्मद है। जिसकी नबूवत आखिरी हो वो मोहम्मद है। जिस पे रिसालत के दरवाजे बंद हो वो मोहम्मद है। जो सदाकत में बुलंद हो वो मोहम्मद है। जो अमानत में ऊपर हो वो बुलंद मोहम्मद है। जो सखावत में आला हो वो मोहम्मद है। जो शुजात में मजबूत हो वो मोहम्मद है। जो दियानत और कियादत में सबसे अरफा हो वो मोहम्मद है। और जिसका सफर सिदरतुल मुंतहा हो वो मोहम्मद है। जिसकी मंजिल जन्नतुल मावा हो वो मोहम्मद है। जो बुर्जे हल्लता हो वो मोहम्मद है। जो बदरुद्दुजा हो वो मोहम्मद है। जो शम्सुद्दुहा हो वो मोहम्मद है। जो नूरुल हुदा हो वो मोहम्मद है। जिसका बोलना हिकमत हो वो मोहम्मद है। जिसका जमीर तकवा हो वो मोहम्मद है। जिसका शियार नेकी हो वो मोहम्मद है। सिदक और वफा जिसकी तबीयत हो वो मोहम्मद है। अदल जिसकी सीरत हो वो मोहम्मद है। माफ करना भलाई का हुक्म देना जिसका मिजाज हो वो मोहम्मद है। हक जिसकी शरीयत हो वो मोहम्मद है। इस्लाम जिसका मन मनहज हो वो मोहम्मद है। ओ कुरान जिसकी दावत हो वो मोहम्मद है। कुरान का मनहज और मंशूर जिस पैगंबर की शरीयत हो वो मोहम्मद है। जो अपने कबीले में सैयद हो वो मोहम्मद है। जो अरब अजम में सैयद हो वो मोहम्मद है। मोहम्मद सैयदुल कौनैन वस्सकलैन वल फरीकैन मिन अरबिन व मिन अजमीन। जिसके जमाल की इंतहा न हो वो मोहम्मद है। जिसके हुस्न मनाल की इंतहा न हो वो मोहम्मद है। और जिसकी सिफतें इतनी हो जिसके कमालात इतने हो जिसकी खिसाल महमूदा इतनी हो कि सारी दुनिया भी जमा करने लगे जिसकी इबादत वाली लज्जत को शुमार न किया जाए जिसकी इबादत में आजजी और इनके
सारी को शुमार ना किया जाए, वो मोहम्मद जो मोहम्मद रसूलुल्लाह बनी हाशिम और बनी मुत्तलिब और जो कुरैशियों का इमाम जो है सैयद सरदार उसको मोहम्मद कहा जाता है, जिसकी माँ आमिना है उसको मोहम्मद कहा जाता है, जिसका बाप अब्दुल्ला है उसको मोहम्मद कहा जाता है, और जिसकी बीवी खदीजा है उसको मोहम्मद कहा जाता है, जो कुसई के कबीले से है उसको मोहम्मद कहा जाता है, जिसकी बीवी आयशा सिद्दीका है उसको मोहम्मद कहते हैं, जिसकी बेटी हफ्सा बिनते उमर है उसको मोहम्मद कहा जाता है, जिसकी बीवी हफ्सा बिनते उमर है उसको मोहम्मद, जिसकी बीवी उम्मे हबीबा रमला बिनते अबी सुफियान है उसको मोहम्मद कहा जाता है, और जिसकी बीवी सौदा बिनते जमा है उसको मोहम्मद कहते हैं, जिसकी बीवी मैमूना हारिसिया हिलालिया है उसको मोहम्मद कहा जाता है, जिसकी बीवी ज़ैनब बिनते जहश है उसको मोहम्मद कहते हैं, जिसकी बीवी ज़ैनब बिनते खुज़ैमा है उसको मोहम्मद कहते हैं, और जिसकी बीवी मारिया जुएरिया रहाना क़िबतिया है उसको मोहम्मद कहा जाता है, जिसकी फूफी सफिया उसको मोहम्मद कहते हैं, जिसका चचा जुबैर उसको मोहम्मद कहते हैं, और जिसका जिसकी फूफी अरवा उमैमा हकीम बैजा आतिका सफिया, जिसकी ये फूफियाँ हैं उसको मोहम्मद कहा जाता है, और जिसके बोलने में लज्जत आए उसको मोहम्मद कहते हैं, जिसके बोलने को शरीयत कुरान बनाए उसको मोहम्मद कहते हैं, जो अपने होंठों को हरकत दे अल्लाह अर्श पे कस्में उठाए उसको मोहम्मद कहते हैं, जो जमीन पे चले अल्लाह उसका हया करे उसको मोहम्मद कहते हैं, जहाँ पे सारे नबी जमा हो मुसल्ले इमामत पे जो खड़ा हो उसको मोहम्मद कहा जाता है, जो इबादत में आला हो, जो रियाजत में आला हो, जो कियादत में आला हो, जो तिजारत में आला हो, जो माल और राफत और रहमत और बरकत में आला हो, जो कमालात कुल्लिया का मालिक हो, जो तमाम तरंबिया का इमाम और सरदार हो उसको मोहम्मद कहते हैं, और जिसका वजीर अबू बकर हो उसको मोहम्मद कहते हैं, जिसका साथी उमर हो उसको मोहम्मद कहते हैं, जिसका दामाद उस्मान हो, जिसके घर में मोहम्मद की दो बेटियां, जिसका दामाद उस्मान हो उसको मोहम्मद कहा जाता है, और जिसका दामाद अली हो उसको मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है, जो सैयद है मोहम्मद इसलिए अबू तालिब कहने लगा फइन्ना मुहम्मदन ला युवाज़िनो, लोगों बड़े नौजवान है लेकिन मोहम्मद के मुकाबले का नौजवान कोई नहीं, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह जो तकसिबुल मादू करने वाला, जो मेहमानों की खिदमत करने वाला, तहमिलुल कल्ला व तुक़रिद दईफ व तुईनु अला नवाई बिल हक, जो अपने कंधों पे बेकस और बेसहारा लोगों का बोझ उठाने वाला है, जो यतीमों की मदद करने वाला है, जो मेहमानों की मेहमान नवाजी करने वाला है, जो गैरों का खैर ख्वाह है, जो मेहमानों की अपनी जेब से खर्च करके मेहमान नवाजी करने वाला है, जो बैतुल्ला में आने वाले लोगों की खिदमत करने वाला है, जो तसल और रहम है, जो सादिक है, जो अमीन है, जो मुबशर है, जो नज़ीर है उसको मोहम्मद कहते हैं, जो दाई है उसको मोहम्मद कहते हैं, जो हक है उसको मोहम्मद कहते हैं, जो खातमुर रसूल है उसको मोहम्मद कहते हैं, जो खातमुन नबीजीन है उसको मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जो सैयद सकलैन है उसको मोहम्मद कहते हैं, इमाम शरकैन है उसको मोहम्मद कहते हैं, ग़रबैन दारैन में इमाम है उसको मोहम्मद कहते हैं, जो हसन हुसैन का नाम है उसको मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है, वो सारी दुनिया से आला इसलिए अबू तालिब कहने लगा फइन्ना मुहम्मदन ला युवाज़िनो फतन मिन कुरैश, ओ लोगो अल्लाह की कसम मोहम्मद के मुकाबले का कोई नौजवान नहीं है। नारे तकबीर अल्लाह अकबर, मुस्तफा जिंदाबाद, जाने सहाबा इन्ना मुहम्मदन ला युवाज़िनु फतन मिन कुरैश लरजा है बिही। अब यहाँ तेज़रा बात देख देख, अबू तालिब ने कहा अगर सारे नौजवानों का वजन करें तो मोहम्मद का वजन ज्यादा, कहा कि नहीं, अगर सारे लोगों का वजन करें तो मोहम्मद का वजन ज्यादा। उधर देख नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, لو وضع ایمان ابی بکر فی کفۃ و وضع ایمان امتی فی کفۃ لرجع ایمان ابی بکر, او لوگو اگر میں محمد ساری امت کا وزن کروں
मीजान में एक तरफ मेरी पूरी उम्मत, एक तरफ मेरा अकेला अबू बकर सिद्दीक। तो फरमाया अल्लाह राजा हाँ ईमानु अभी बकरे ओ लोगो मेरी सारी उम्मत से ज्यादा वजनी ईमान है तो मेरे अबू बकर सिद्दीक। इधर उधर अबू तालिब कहने लगा सारे नौजवानों में ज्यादा वजन है तो मेरे भतीजे मोहम्मद का। इधर मोहम्मद कहता है मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा वजन है तो मेरे अबू बकर सिद्दीक का। वाखर Thank you.